Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our Comparative Anatomy of Vertebrate paper. In this video lecture, we are going to talk about the types of receptors. Now, the first question is that what is receptor? So, receptor is any type of sensing organ, or it's a part of sensing organ. Okay. In short, the receptors are responsible for stimulation. Building sense after stimulation. Stimulation मतलब क्या होता है कि कोई भी टाइप का टच या किसी भी टाइप का इंटरैक्शन आउटर इन्वायरमेंट का हमारी बॉडी से या फिर किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी से जब स्टिमुलेशन होता है या टच होता है या किसी टाइप का कॉन्टैक्ट बोल सकते हो. स्टिमुलेशन इन सेंस कॉन्टैक्ट, अब वो टच के फॉर्म में हो या किसी भी टाइप में हो, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट या स्टिमुलस को बॉडी में सेंस करवाना और उसके लिए एक इम्पल्स जनरेट करना इज वर्क ऑफ रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं. सो दीज आर द रिसीविंग ऑर्गन्स फॉर द स्टिमुलस. सो वो क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं किसी भी टाइप का स्टिमुलस, और उस पर रिस्पॉन्स कौन करता है? जो हमने कल देखा था, नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफाइंग द स्टिमुलस दैट इज रिसीविंग और रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स, और उस पर फिर वो रिएक्शन देगा, रिएक्ट करेगा. द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट विच आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर दे? सो बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर दे. नाउ दे आर नेमली एज, फर्स्ट इज मैकेनो रिसेप्टर. मैकेनो रिसेप्टर का पॉइंट आपके सिलेबस में है, तो उसको मैं डिटेल में आगे बताऊँगी. सेकेंड टाइप इज़ फोनो रिसेप्टर, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसको भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एलाबरेट करूँगी. फोटो रिसेप्टर्स आ दे, फोटो रिसेप्टर्स को भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन इट लेटर ऑन एज वी प्रोसीड विद दिस वीडियो. नाउ द लास्ट वन इज़ कीमो रिसेप्टर्स. ओके, कीमो रिसेप्टर्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट जस्ट फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन आई विल एक्सप्लेन यू. कीमो रिसेप्टर्स मतलब की रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, स्टिमुलस रिसीविंग ऑर्गन से. ओके, नाउ कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल, सो दीज आर द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स विच आइडेंटिफाइज केमिकल. किसी भी टाइप का केमिकल को वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसका स्टिमुलस वो हम बोलेंगे कि रिसीव करते हैं या उसका स्टिमुलस वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं. ओके, दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द, वी कैन से अवर टंग. टंग जो होती है, कभी नोटिस किया है कि हम सॉल्ट का टेस्ट पता कर सकते हैं? सॉल्ट का हमको टेस्ट समझ में आता है, मीठा खट्टा खारा सब समझ में आता है. क्यों समझ में आता है? बिकॉज वी आर हैविंग कीमो रिसेप्टर्स ऑन अवर टंग. वो क्या करते हैं, वो किसी भी टाइप का, अभी जो मटेरियल है, जो फूड हम खाते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल ना. न्यूट्रिएंट्स जो है दैट आर केमिकल्स, हमको क्या बोलते हैं, बायो केमिकल्स. तो ये क्या करते हैं, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बायो केमिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जाके अदर रिएक्शंस करते हैं. एंड आफ्टर जस्ट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट, जब हमारी जो टंग है वो इसके कॉन्टैक्ट में आती है, तो केमिकल रिसेप्टर्स उस पर प्रेजेंट होने की वजह से हम किसी भी चीज़ का टेस्ट पता कर सकते हैं. वाई अवर टंग इज़ हैविंग सच सेंस टेस्ट, तो सेंस ऑफ टेस्ट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ दिस कीमो रिसेप्टर्स. अभी मैकेनो रिसेप्टर्स जो होंगे, तो सेंस ऑफ टच विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ इट. फोनो रिसेप्टर्स सेंस ऑफ हियरिंग विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ इट. फोटो रिसेप्टर्स सेंस ऑफ विजन विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ इट. नाउ लेट अस प्रोसीड एंड टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द मैकेनो रिसेप्टर्स. ओके, मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैकेनो से ही समझ में आता है. मैकेनो वर्ड स्टैंड्स फॉर एनी
physical or any mechanical touch. तो वो क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल टच मतलब कोई भी अदर ऑर्गन का या किसी ऑब्जेक्ट का टच स्टिमुलस को फील करना. सो इट इज़ रिलेटेड टू द सेंसिंग, फीलिंग जो है, फीलिंग करना, सेंस करना. सो इट इज़ रिलेटेड टू द सेंस ऑफ फीलिंग और सेंस ऑफ टच वी कैन से. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर. ओके, अब इसको सोमैटो सेंसरी क्यों बोल रहे हैं? सोमैटो या जो सोमैटोसाइट्स होते हैं, सोमैटो स्टैंड्स फॉर द बॉडी और सेंसरी मीन्स पता है कि फील करना, उसको महसूस करना. सो बॉडी के सेल्स जो सेंस कर रहे हैं, ये क्या है? बॉडी पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स. सो मैकेनो रिसेप्टर्स आर यूजुअली दे आर हैविंग सच एबिलिटी कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को इंटरनल सिग्नल्स में ट्रांसडक्शन करते हैं, विच मीन्स कि जो बाहर टच हो रहा है, आउटर बॉडी पे जो टच हो रहा है, वो इनर बॉडी में उसकी इम्पल्स जनरेट करके वो ब्रेन को, ब्रेन ऑब्वियसली बाहर तो प्रेजेंट है नहीं किसी का, इनसाइड वो क्रैनियम ब्रेन इज़ प्रेजेंट, हमारी जो बोनी स्केलेटन है उसके अंदर होता है. तो अंदर वो इम्पल्स को जनरेट करके ट्रांसडक्शन करवाना, उसको पहुंचाना थ्रू द मैकेनिकल गेट आयन चैनल्स. तो वहाँ पे आयन चैनल्स है जिसके थ्रू ये मैकेनिकल जो भी इम्पल्सेस है वो अंदर एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलस को इंट्रा सेलुलर मतलब बाहर के स्टिमुलस को अंदर के सेल्स में पहुंचाया जा रहा है. और ये जो बाहर का सेंस है तो वो क्या हो सकता है? टच हो सकता है, एनी टाइप ऑफ प्रेशर इट कुड बी, स्ट्रेचिंग हो सकती है, साउंड वेव्स हो सकते हैं एंड मोशन हो सकते हैं. ओके, और टच हमको पता है कि कभी कुछ ऑब्जेक्ट टच हो गया. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वॉकिंग इन नाइट टाइम, अंधेरे में अगर चल रहे हो, नाइट टाइम है, अंधेरा होगा ऑब्वियसली, अंधेरे में अगर चल रहे हो, इफ़ यू आर वॉकिंग इन डार्कनेस, कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट आपको अगर टच कर जाए, यू कैन सेंस इट. दिखाई तो नहीं दे रहा है, आंखें तो काम नहीं कर रही है, तो क्या करेगी? सेंस ऑफ टच काम करेगा वहाँ. कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वॉकिंग एंड यू गॉट हर्ट बाय समथिंग, या फिर कुछ आपकी बॉडी पे गिर गया, तो क्या होगा? प्रेशर महसूस होगा, स्ट्रेचिंग कहीं पे हो और या फिर कोई चीज़ खींच रही है, स्ट्रेचिंग, कोई आपको पुल कर रहा है, खींच रहा है. इफ़ यू आर वॉकिंग इन स्ट्रीट और आपके फ्रेंड ने आपको पकड़ के खींच लिया, यू विल फील इट ऑब्वियसली. साउंड वेव्स होते हैं कुछ टाइप के, वो सेंस किए जा सकते हैं, बट दिस कैपेबिलिटी इज़ नॉट प्रेजेंट इन अस, इज़ प्रेजेंट इन साउंड वेव्स जो है वो डॉल्फिन्स वगैरह में होता है, दे कैन सेंस साउंड वेव्स. और मोशन जो है, वॉकिंग, we can sense it. we if you are just moving our hands, we can sense it. if you are moving our leg, neck, anything, हमारी body का कोई भी part हम अगर move करेंगे तो we can sense it, हम उसको sense कर सकते हैं. तो ये mechano receptors काम कर रहे हैं. okay, moving our legs, hands के अगर इसका example कैसे आएगा? motion तो बोल रहे हैं, motion कैसे आएगा? for example if there is fire, आपको पता नहीं है, आपने कहीं पे आपका गलती से हाथ पड़ गया, या फिर कोई चीज़ कोई यूटेंसिल किचन में गर्म था और आपका सडनली आपने उसको पकड़ लिया, एंड यू वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वो गर्म है, वो हीटेड है, एंड इमिडिएटली क्या होगा कि आप अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे, यू विल जस्ट मूव योर हैंड, फील द मोशन. क्यों? क्योंकि यू हैव द मैकेनो रिसेप्टर्स ऑन योर स्किन, और वो क्या कर रहे हैं कि इमिडिएटली वहाँ वो सेंस कर रहे हैं उस हीट को, जिसकी वजह से आप अपना हैंड को फील कर पा रहे हो कि दैट पर्टिकुलर यूटेंसिल या जो भी है बर्तन वो गर्म है. नाउ मैकेनो रिसेप्टर्स आर अगेन दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द डीपर लेयर ऑफ स्किन नियर द बोन, विच मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि वो मसल्स में भी प्रेजेंट है, ना सिर्फ हमारे इंटीग्यूमेंटरी पोर्शन पे बल्कि हमारे इनर मसल्स में भी प्रेजेंट है. नाउ दिस मसल्स और दिस मैकेनो रिसेप्टर्स आर ऑफ फोर टाइप्स. पहला है मैक्रल्स डिस्क, दूसरा है मिसिनर्स
corpuscles are there, Ruffini endings are there and Pacinian corpuscles are there. इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, यू डोंट हैव टू स्टडी इट इन डिटेल, जस्ट बिकॉज जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही लो. तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द स्किन. स्किन में हमको पता है कि मसल्स में एम्बेडेड मसल्स भी होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती है वहाँ पे. मैंने सब पढ़ा है, इंटीग्रमेंट्री का पार्ट, एपिडर्मिस, डर्मिस सब पढ़ा है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि आउटर पोर्शन में, एपिडर्मिस वाले पोर्शन में कौन से रिसेप्टर्स है, मिसिनर्स कार्पस्कल्स आर देर, मिसिनर्स कार्पस्कल्स टाइप के रिसेप्टर्स है वहाँ पे. उसके बाद डर्मिस में देख सकते हो, डर्मिस में कौन है, डर्मिस में सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जैसे ट्रुफिनीस कार्पस्कल्स आर दे, और डर्मिस में ही कौन से पैकिनियन कार्पस्कल्स आर ऑल्सो दे, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं पैकिनीस कार्पस्कल्स आर ऑल्सो देर. सो ये एपिडर्मिस में है, रेफिनीज एंड पैकिनियन कार्पस्कल्स आर प्रेजेंट इन डर्मिस, और मैक्रल्स डिस्क भी डर्मिस में ही प्रेजेंट है. सो दिस आर द फ्री नर्व एंडिंग, सो इससे हमको कुछ नहीं लेना देना, वी हैव टू फोकस ऑन दिस ओनली. तो ये यहाँ पे है मिसिनर्स कार्पस्कल्स, दिज आर द पैकिनियन कार्पस्कल्स, दिज आर द रेफिनीज कार्पस्कल्स एंड दिस आर द मैक्रल्स डिस्क. सो दिज आर द मैकेनोरिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन स्किन. ओके, उसके बाद है फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स का नेम ही सजेस्ट करता है, फोटो मीन्स रिलेटेड टू विजन. फोटो क्या करते हैं, हम देखते हैं, फोटो हम फील नहीं कर सकते, फोटो हम सुन नहीं सकते, हम फोटो देखते हैं. और रिसेप्टर मतलब जो भी इमेज कलेक्टिंग है, इमेज कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, कहाँ पे होगा, विजन में होगा, सेंस ऑफ विजन में होगा. एंड फॉर दिस हमारी आई में जो रेटिना होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है. रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं, फोटो पिगमेंटेड जो टाइटली पैक्ड फोटो पिगमेंटेड रिडोप्सिन होता है वहाँ पे, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सारी लाइट एनर्जी को और फिर इमेज फॉर्म करता है हमारे रेटिना पे. जस्ट बिकॉज अवर रेटिना इज़ हैविंग फोटो पिगमेंटेड रिडोप्सिन, और रेटिना पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी. एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट इमेज, जस्ट बिकॉज की ये लाइट फॉर्म जो लाइट है वो गैदर करके एक इमेज प्रिपेयर कर रहा है, उसकी वजह से वी आर एबल टू सी और वी आर हैविंग द सेंस ऑफ विजन. तो कोई भी चीज़ हमें कब और कैसे दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेटिना इन आवर आईज विच आर हैविंग फोटो पिगमेंटेड रिडोप्सिन सेल्स, और जो क्या करते हैं, फोटोन एब्जॉर्प्शन करते हैं और फोटो रिसेप्टर्स का आउटपुट सिग्नल देते हैं. तो यू कैन सी हियर, ये जो आई है, तो यहाँ पे ये जो लेयर है यहाँ पे होता है रेटिना, एंड इट इज़ हैविंग रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, जिनको रिडोप्सिन जो कौन से सेल्स है, दिज आर द रिडोप्सिन पिगमेंटेड फोटो पिगमेंटेड रिडोप्सिन सेल्स है, वो रॉड शेप्ड हो सकते हैं या कोन सेल्स हो सकते हैं. सो दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इमेज एंड फॉर द सेंस ऑफ विजन. ओके, नेम में ही सजेशन है, फोटो मीन्स इमेज एंड रिसेप्टर्स मीन्स इमेज रिसीविंग, दीज आर द इमेज रिसीविंग स्टिमुलिंग ऑर्गन्स, दैट इमेज रिसीविंग ऑर्गन्स. नाउ फोनो रिसेप्टर्स, फोन मतलब क्या होता है, फोन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वी आर, फोन हम क्यों यूज़ करते हैं, वी यूज़ फोन फॉर टॉकिंग, या तो हम बोलते हैं और हम सुनते भी हैं, विच मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड, फिर हम जो साउंड निकाल रहे हैं वो सामने वाले को सुनाई देता है और सामने वाले का आवाज़ हमको सुनाई देता है. फ्रॉम दैट दिस नेम इज सजेस्टेड दैट फोनो रिसेप्टर्स विच इज़ रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज़ रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग. इसका एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टैटो अकोस्टिक रिसेप्टर्स. कभी सुना होगा म्यूजिक वगैरह कोई फॉलो करते हैं, सो इट इज़ सॉरी इट इज़ अकोस्टिक का थोड़ा प्रॉब्लम है. ओके, लेट बी, जो म्यूज़िक फॉलो करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, उनको पता होगा कि जो टाइप ऑफ
म्यूजिक्स होते हैं तो उसमें एक टाइप आता है अकोस्टिक, दिस इज द टाइप अकोस्टिक टाइप ऑफ सॉन्ग. तो वो क्या है, विच मीन्स दैट इट इज़ अ साउंड, इज अ टाइप ऑफ साउंड. तो ये यहाँ से देख सकते हो कि स्टैटो अकोस्टिक मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द हियरिंग. म्यूज़िक क्या करते हैं, हम सुन के फील करते हैं. सुनाई देगा तभी फील होगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू. आँखों से कभी किसी ने म्यूज़िक फील किया है? नहीं. किसी ने स्किन से म्यूज़िक फील किया है? नो. कोई बोल सकते कि आई हैव जस्ट सेंस द म्यूज़िक विद माई टंग? नो, दिस इज जस्ट सीरियसली इनसेन टू टॉक लाइक दैट. तो ये क्या होता है, दिस इज़ रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग. यहाँ पे जो है इस टाइप के सेंस रिसेप्टिंग ऑर्गन्स क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड्स और सिमिलर वाइब्रेशन. जो साउंड की तरह जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं और वहाँ पे साउंड को फील करते हैं. एंड दिस इज़ द रिसेप्टर विच स्टिमुलेटेड बाय द साउंड वेव्स. जो साउंड वेव्स आती हैं वो हाई हो लो हो, वी आर हैविंग अ साउंड रेंज. तो वो डेसिबल में उसको जो है साउंड को कैलकुलेट किया जाता है. सो वी आर हैविंग सर्टेन टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज. इसका भी एक रेंज होता है कि हाँ इतनी साउंड हम सुन सकते हैं. सो दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, साउंड वाइब्रेशन, साउंड वेव्स आर received by these phonoreceptors and they are responsible for the sense of hearing. So I have one photo also. Okay, जो ear होता है, human ear or any type of animals or organisms ear is having three parts. तो उसमें क्या होता है कि external ear is there, middle ear is there and internal ear is there. तो एक्सटर्नल ईयर क्या होगा कि आउटर पोर्शन जो पिन्ना वगैरह दिख रहा है, पिन्ना मीन्स जो आउटर ईयर स्ट्रक्चर होता है हमारा, ऐसा कुछ जो स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज एक्सटर्नल ईयर. इसके अंदर होता है मिड ईयर पोर्शन. तो मिड ईयर पोर्शन में होता है एक ऑर्गन जिसका नाम है कोक्लिया. ओके, सो कोक्लिया इज हैविंग सर्टेन हेरी सेल्स विच आर कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया. ओके, इनको स्टीरियोसीलिया बोला जाता है. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम. सो दिस आर द स्टीरियोसीलिया. वो क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द साउंड वेव्स. वो साउंड वेव्स को सेंस कर सकते हैं और उसको रिसीव करके जो है प्रोवाइड करते हैं टू द माइंड. और फिर साउंड जो है वो डिटेक्ट किया जाता है बाय अवर ब्रेन. तो हम साउंड कैसे सुन पाते हैं, सो वी बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोसीलिया सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द साउंड वेव्स. सो हियर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड्स अप विद दिस अवर सिलेबस ऑल्सो एंड्स अप. सो हियर वी जस्ट कंप्लीट अवर पेपर, दैट इज the paper of comparative anatomy of vertebrates. So thanks for watching. Have a nice day.